Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about continent and ocean and total countries in whole world. Means कहने का मतलब मेरा ये है कि विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी के बारे में आज थोड़ा नॉलेज लेते हैं विस्तार पूर्वक कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों को यानी कॉन्टिनेंट को मिलाकर कुल कितने देश हैं वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर कुल कितने देश हैं. तो टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो हैं 207 यानी 207 कंट्रीज़, जबकि कहीं कहीं गूगल पे 196 भी दिखाता है. तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है 196 और 207 में, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिनको सभी देशों ने मान्यता नहीं दी है, दो चार देशों ने ही मान्यता दी है, तो छोटे मोटे देशों को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए 196 है. लेकिन टोटल की बात करें तो 207 हैं. अब मैं आपको बताऊं, ये जो एशिया है ना, देखो एशिया में कितने सारे देश हैं. एशिया में बांग्लादेश, भूटान, बर्नेई, बर्मा का नया नाम म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, लाओस, माओ, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, नेपाल, जॉर्डन, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, तालिबान, पाकिस्तान. अब तालिबान, तो ये ताइवान है, ताइवान, ये ताइवान भी एक कंट्री है, आतंकवादी मत समझ लेना. तजाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, सीरिया, तुर्की, अजरबैजान, बहरीन, इराक, इज़राइल, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन. मीन्स कुल मिला के एशिया के अंदर इतने सारे देश हैं. तो एशिया के अंदर कुल कितने देश हैं, 48. यानी हमारा जो एशिया महाद्वीप है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं भारतीय लोग, हम रहते हैं एशिया, और एशिया में कुल 48 कंट्री हैं, यानी 48 कंट्रीज़ हैं. अब 48 में से जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है रसिया. अब रसिया, आप कंफ्यूज मत होना, रसिया कभी एशिया में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए एशिया का नहीं है, एशिया में इसका कुछ भाग पड़ता है. तो अगर रसिया को छोड़ दिया जाए तो एशिया का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है, चाइना. अगर भूमि की बात करें, स्थल की बात करें तो भी चाइना है, और पॉपुलेशन की बात करें तो भी चाइना है. ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया, दूसरे नंबर पे इंडिया, और पहले नंबर पे आता है आपका चाइना. चाइना सबसे बड़ा कंट्री है इधर का, एशिया का. क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से या पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, चाइना. दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका, इंडिया. ये तो हुआ आपका एशिया. नेक्स्ट जो कंट्री है वो है यूरोप. अब यूरोप कौन सा है, अब वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए, ये एशिया, ये कंप्लीट एशिया हो गया इतना. इसके जस्ट बराबर में एक महाद्वीप है, उसका नाम है यूरोप, जहां अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज जिन्होंने भारत पर शासन किया था, जहां इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो सब अंग्रेज बोले जाते हैं. तो यूरोप के अंदर कौन कौन से देश हैं, अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया. अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है, और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है. ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत होना. बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, किच रिपब्लिक, डेनमार्क, इथोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इसले ऑफ मैन, इटली, ये सभी अंग्रेज हैं भाई, ये सभी अंग्रेज हैं यूरोप के. लाथविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मालदोवा, मोंटेरेगो, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, रसिया. अब ये जो रूस है ना हमारा मित्र, रूस भी यूरोप का ही देश है, और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है. ठीक है, रसिया, सोलोवेकिया, सोल्वेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम. अब जो हमारे ऊपर जो राज करके गए थे ना, हमको गुलाम बना के रखा था, वो ये देश है यूरोप का, ये यूनाइटेड किंगडम.
यूनाइटेड किंगडम ने हमारे ऊपर राज किया था, ठीक है। पहले पुर्तगाली भी आए थे, उन्होंने भी किया था, यूनाइटेड किंगडम वालों ने भी किया था, फ्रांस वालों ने भी किया था, ठीक है, इन्होंने भी किया था। ये अब यूरोप के अंग्रेज हैं, ये सारे अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजी देशों के नाम हैं। कुल कितने यूरोप में, कुल कितने देश हैं मेरे भाई? तो यूरोप में कुल देश हैं 44, यानी यूरोप में कुल 44 कंट्रीज़ हैं। एशिया में कितने थे? 48, जबकि यूरोप में कितने? 44। नेक्स्ट जो आपका महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट, वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 23, यानी 23 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? एंटीगुआ एंड बारबुआ, बहामास, बारडोबास, बेल्जिलिए, हाइती देश है ये, गुटेमेलिया, होंडारस, ग्रीना, डोमिनिका, डोमिनियन रिपब्लिक, कनाडा। अब कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कोस्टरिका, क्यूबा, मैक्सिको, नाइक्यूबा, पनामा, एल सोल्दोवार, सेंट लूसिया। अब ये कुल जो है नॉर्थ अमेरिका के यही देश हैं। अब ये पॉज करके आप वीडियो पढ़ सकते हो। और हमारी जो मित्रता है नॉर्थ अमेरिका में, वो किसके साथ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये अमेरिका का सबसे ताकतवर देश है, इसी को बोलते हैं हम अमेरिका। हम इनको नहीं जानते अमेरिका के नाम से, ये सभी अमेरिका के देश हैं। जबकि हम किसको बोलते हैं सिर्फ अमेरिका, भारतीय लोग इसको, जबकि पूरा का पूरा अमेरिका ही है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुल कितने देश हैं आपके? 23, ठीक है। कनाडा सबसे बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका का। अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कुल कितने देश हैं आपके? 12 साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 23, तो कितने हो गए? 35 देश हैं कुल अमेरिका में। अमेरिका में कुल 35 हैं, 23 नॉर्थ में और 12 साउथ में। अब साउथ के भी गिनवा देते हैं। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील, चिली, सरनेमी, कोलंबिया, उरुग्वे, इक्वाडोर, वेनेजुएला, फॉकलैंड आइसलैंड और गुआना। अब ये जो वेनेजुएला जो देश है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर पाया जाता है। लेकिन आज की स्थिति इसकी ऐसी है, किसके कारण? ये जो अमेरिका है ना, इसने इस पे इतने प्रतिबंध लाद दिए हैं वेनेजुएला पे, कि इतना गरीब हो चुका है कि यहाँ 10 लाख का नोट चालू कर दिया गया है। मीन्स जो भारत में 1 रुपये की कीमत है ना, वो वहाँ करीब 5-8 लाख की हो जाती है। 1 रुपया भारत का वहाँ बहुत महंगा हो जाता है। यानी अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो, वहाँ 1 किलो जो चावल है, राइस है, वो 10 लाख रुपये का है, ठीक है। इतनी महंगाई है यार वहाँ, इतना पिछड़ चुका है वो प्रतिबंधों के कारण। और वो किस देश ने लगाए? वही देश एक जो दुनिया पे प्रतिबंध ला देने की कोशिश करता है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ पड़ता है? अब वर्ल्ड मैप में आप एक बार और देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैप है। एशिया हो गया आपका, ये दोनों अमेरिका हो गए, अफ्रीका जस्ट नीचे है, ये यूरोप हो गए, यूरोप के नीचे अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। यह है अफ्रीका। अफ्रीका में कुल कितने कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका में जो आपके कंट्रीज़ आते हैं, वो आते हैं 54, यानी 54 देश आते हैं 54। 48 एशिया में हो गए, 44 यूरोप में हो गए, नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका में 12, तो अमेरिका में कुल 35 और यूरोप में 44 थे, अब अफ्रीका में 54 है, ठीक है। अफ्रीका के ये देश हैं, आप पॉज करके वीडियो में नाम पढ़ सकते हैं, इथोपिया वगैरह। और ये जो हम जो जानते हैं अफ्रीका, केवल इस देश को जानते हैं, साउथ अफ्रीका। ये जो मेन देश है इंडिया में क्रिकेट वगैरह जो आते हैं खेलने, वो साउथ अफ्रीका वाले आते हैं। जबकि अफ्रीका के कुल कितने देश हैं? 54। और विश्व में सबसे जो ज़्यादा देश हैं किसी महाद्वीप के अंदर, वो अफ्रीका के अंदर ही हैं 54। दूसरे नंबर पर आता है अपना एशिया, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है, जबकि देशों की गिनती की बात करें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुल
14 प्लस 12, अब 14 क्या